Hello everyone. So now I'm gonna teach you Python basics for machine learning. If someone is going to start machine learning and they want to know how machine learning works, so they need to understand first the basics of Python. So that's why I'm making this video. So let's start with some basics of Python. So जैसे हम जानते हैं कि Python एक strictly indented language है, जैसे कि अगर हम कोई भी function या for loop या कोई भी चीज बना रहे हैं तो हमें जब भी कोई ब्रैकेट, जैसे सी प्लस में हम लगाते थे कर्ली ब्रैकेट्स कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने के बाद, पाइथन में हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट्स नहीं लगाने होते हैं, एक कॉलन लगा के उसके अगली लाइन से हम एक टैब शिफ्ट करके स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन फॉर लूप, जैसे फॉर आई इन रेंज एंड देन अगली लाइन में जब भी फंक्शन के अंदर जो भी लिख रहे होंगे लूप के अंदर वो एक टैब स्पेस पे आएगा. तो हमें जो भी चीज जो हम फंक्शन के अंदर रखनी होगी वो साइड साइड सारी की सारी लाइंस टाइप स्पेस के अंदर आएंगी. और हमें जनरली और कैसे हो सकता है, जैसे हमें सपोज बहुत बार मशीन लर्निंग में जरूरत पड़ेगी एरेज बनाने की, एरेज बनानी है, जैसे जीरो की सारी एरे बनानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट जीरो फॉर आई इन रेंज 10. तो इससे क्या होगा, 10 लेंथ की जीरोज वाली एरे मिल जाएगी हमें. वैसे ही अगर हमें कोई इंक्रीमेंट में चाहिए 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते 18 तक, तो हम कैसे कर सकते हैं, फॉर ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू आई. तो इससे क्या होगा, फॉर एवरी आई 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2 सारी वैल्यूज लेगा और उसको 2 इंटू आई लेके वैल्यूज डालता जाएगा ए के एरे के अंदर, तो ऐसा एरे हमें मिल जाएगा. तो जनरली हम जब भी मशीन लर्निंग में काम कर रहे होंगे तो हमें अपने सीखने के लिए हम बहुत बार एरेज बनाएंगे, डमी एरेज, तो ऐसे हम बना सकते हैं पाइथन की हेल्प से. और पाइथन के अंदर वो क्या क्या फंक्शन है, बेसिक फंक्शन हमें सारे मिल जाते हैं, जैसे सी प्लस में नहीं है, एसटीडी लिब में वैसे खैर है. सॉर्ट करके हम सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी एरे को, रिमूव कर सकते हैं, पॉप और इंडेक्स जैसे फंक्शन है जो हमें इजिली मिल जाएंगे. तो अब जैसे जनरली पाइथन का एक बहुत अच्छा यूज है एक लाइब्रेरी का, कि हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, हम जैसे जनरली सी प्लस में क्या करते थे, फॉर आई इन रेंज ए करते थे फिर ए ऑफ आई करके लिखते थे. तो अब इसमें फाइव इटरेशन मेथड है पाइथन के अंदर, जैसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन ए हमने पहले क्या लिखा था, फॉर आई इन रेंज ए 2 या फिर कुछ भी जिससे 1, 2, 3 आ रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन ए. ए क्या है, एक एरे है, तो एरे के अंदर हमें अगर सारी वैल्यूज पे जाना है तो हम उसके जरूरी नहीं है कि हम इंडेक्स पे जाएं, हम सीधा उसको उससे उसकी वैल्यूज पे भी इटरेट कर सकते हैं. तो फॉर आई इन रेंज ए करेंगे तो प्रिंट सीधा आई करना पड़ेगा हमें, ए ऑफ आई करने की जरूरत नहीं है. तो इसमें जैसे सपोज करो अगर ए अगर ये है लास्ट में हमारा ये था, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, यही सेम चीज प्रिंट होगी यहाँ पे आके, 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 ऐसे करके. और हम पाइथन में और क्या कर सकते हैं, जैसे पाइथन में हमें अगर डिक्शनरी बनानी है तो हम ऐसे बना सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके. कर्ली ब्रैकेट्स में हम पहले हम ये डालेंगे की है हमारी ये, फिर ये वैल्यू है, एबीसी हमारी की है, फिर ये डीएफ वैल्यू है, वैसी एज एक की है और हमारी जो वैल्यू है वो 7 है. तो पाइथन की डिक्शनरी में एक चीज होती है कि हमें कीज हमें ऐसी लेनी होती है जो इम्यूटेबल हो, जिसको हम चेंज ना कर सके, क्योंकि अगर हम जैसे हम यहाँ पर कीज हम एरे नहीं ले सकते अगर, क्योंकि हम एरे को चेंज कर सकते हैं, अगर हम किसी की की को हम बदल नहीं सकते, अगर हम की चेंज कर देंगे तो फिर ताला खुलेगा नहीं जैसे हम बोलते हैं जनरली हिंदी में, वैसे ही हम किसी भी डिक्शनरी के कीज को चेंज नहीं कर सकते, हम वैल्यूज में एरे ले सकते हैं. कीज हमारी ऐसी चीज जो इम्यूटेबल हो, जो चेंज ना हो सकती, जैसे स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती, स्ट्रिंग या फिर कोई इंटीजर ले सकते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. और जैसे हमें जैसे हमने यहाँ पर एरे पे आइट्रेट किया था फाइव इटरेशन मेथड से, हम यहाँ पर कीज पे भी ऐसे ही कर सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, फॉर आई इन ए डॉट कीज, तो उसके सारी कीज पे आइट्रेट मार लेगा, उसका हम प्रिंट करेंगे आई तो उसके सारे वो कीज प्रिंट कर देगा, यहाँ पर की क्या है, 2 ये आ जाएंगे, तो प्रिंट होकर क्या आएगा, एबीसी, फिर अगली लाइन में एज. अब देख लेते हैं पाइथन में इफ एल्स कैसे चलता है. इफ एल्स भी वैसे ही चलता है जैसे सी प्लस में है, बस इसमें अब वो कर्ली ब्रैकेट की जगह हम वो यूज करेंगे, जैसे इफ 2 ऑफ डबल इक्वल्स टू 2, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं यस,
तो इसमें क्या है, जैसे वहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करते थे, यहाँ पर हम कॉलन यूज कर रहे हैं विद अ टाइप शिफ्ट अब दे रहे हैं हम यहाँ पे जो जरूरी है इंडेंटेशन देने के लिए। फिर उसके बाद अगर हमें एल्स देना है या फिर एल्स इफ भी देते थे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल इफ टू इज डबल इक्वल्स टू थ्री, जो कभी होगा नहीं, लेकिन जैसे एज एग्जाम्पल एल्स, फिर लास्ट में एल्स जो डिफॉल्ट केस होता है। सो इस तरह से इफ एल्स इफ और एल्स वर्क करता है पाइथन में। तो हमें एक चीज में बहुत दिक्कत आएगी, हम जैसे यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं यस एल्स या फिर नथिंग, तो जनरली हमें क्या होता है जब भी हमें प्रिंट करवाना होता है तो एक लाइन में करवाना होता है। जैसे हमें एरे ही प्रिंट करवाना था स्टार्टिंग में, तो हम 0 to 4 पे जब इटरेट कर रहे थे 6 पे, तो हम प्रिंट करवा रहे थे जब, तो क्या आ रहा था 0 ऐसे आएगा आंसर असली में स्क्रीन पे कंसोल पे, तो हम ऐसे नहीं चाहते। जनरली हम कैसे चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसे आए कंसोल पे 0 2 4 6। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जब भी हम प्रिंट करते हैं तो एक लाइन प्रिंट होती है, तो उसके एंडिंग कैसे हो रही है, बैक स्लैश एन से हो रही है, तो न्यू लाइन बना देता है अगले वाले के लिए। तो हम जनरली क्या कर सकते हैं, हम यही लिखेंगे प्रिंट ए ऑफ आई लिख रहे थे या फिर जो भी लिख रहे थे हम, उसके बाद एक कॉमा देके एक हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं एंड इक्वल टू स्पेस। तो उस पर क्या होगा, जब भी वो प्रिंट होगा तो उसके आगे एक एंड आर्ग्यूमेंट जो भेजा है स्पेस भेजा, तो उसके आगे 0 के आगे स्पेस आ जाएगा, ना कि वो बैक स्लैश एन आएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा एक स्पेस। और ऐसे ही ये आर्ग्यूमेंट वाली चीज फंक्शंस में भी काम आ सकती है। जैसे फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं सी में नॉर्मल डिफाइन करते हैं, तो ए और बी चाहिए होता है, और सी इज इक्वल टू सम बाय, हम बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा अगर हमें कॉलिंग के वक्त अगर हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा है तो हम सी और डी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं। तो जैसे एक फंक्शन डिफाइन करके देख लेते हैं, इस पाइथन में फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, डी एफ फिर फंक्शन का नेम स्क्वायर करके से ए, तो इसमें क्या होगा, फिर से हम जैसे ये फंक्शन है लूप है कोई, तो हमें एक टैप स्पेस देना पड़ेगा, तो रिटर्न ए स्क्वायर ऐसे करके हम रिटर्न कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं हमें देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली भी रिटर्न ए स्टार ए लिख सकते हैं। और जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिफाइन पावर है, पावर करती है किसी चीज की, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए तो हम यूजर से मांग सकते हैं, और उसके बाद बी एक ले सकते हैं। बी में क्या करेंगे, हम बाय डिफॉल्ट 2 रख देंगे कि हमें स्क्वायर ही चाहिए, और अगर बंदे को क्यूब करना है वो प्रूव करना है तो वो बी की जगह 3 भेज देगा, यहाँ पर 2 बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, अगर उसने नहीं भेजा कुछ तो बी को 2 यूज कर लेगा। तो उसमें पावर कैसे होती है, डबल स्टार देंगे तो हम ए की पावर बी। सो ऐसे हम ये प्री डिफाइंड वैल्यूज का यूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यूज का। एक बहुत ही यूजफुल फीचर है पाइथन के फंक्शंस का कि हम जैसे कोई भी अगर हमें वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं तो हम क्या कर सकते, यूज कर सकते हैं स्टार अदर करके। इसमें क्या होता है कि जैसे 2 तो बाय डिफॉल्ट आनी ही आनी है, जो जिसको जरूरी है ए कॉमा बी, और भी ऐसे अगर आपको कोई और भी वेरिएबल नंबर ऑफ अगर वेरिएबल्स पास करने हैं तो स्टार अदर्स में वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे सपोज करो सम 1 करके मैंने 2 3 4 5 भेजा है, तो ये क्या करेगा, 2 3 को तो ए, 2 को 3 ए में डाल देगा, 3 को बी में डाल देगा, और 4 और 5 को अदर में एक टपल की तरह ले लेगा। टपल क्या होता है, टपल एक तरह से पेयर्स होते हैं, ऐसे सी प्लस में पेयर्स होते थे, वैसे यहाँ पर आप क्या करेगा 4 और 5 को एक ऐसा टपल ले लेगा, 4 5 एक टपल में आ जाएगा। वैसे ही टपल का हम एक और यूज क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कुछ जैसे स्क्वायर से 2 वैल्यूज आ रही है किसी फंक्शन से, हमारे 2 वैल्यूज आ रही है, तो क्या करेंगे हम जैसे ए और बी वैल्यूज आ रही है, तो हम ए कॉमा बी फंक्शन नाम लिख देंगे स्क्वायर या फिर जो भी है 3.4। सो सपोज करो एक फंक्शन है बी एफ स्क्वायर ए कॉमा बी रिटर्न, यहाँ पर हम 2 चीजें रिटर्न करवा रहे हैं एक साथ, सपोज करो ए स्टार ए और बी स्टार बी, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रिटर्न करवा रहे हैं, तो हम 2 वैल्यूज आ रही है तो 2 वैल्यूज को डालना है, तो हमने ए और बी डाल दिया, तो यहाँ से एक टपल आएगा जो ए और बी एक की वैल्यूज में आ जाएगा, यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है टपल।
टपर पे दो वैल्यूज हैं, वो ए कुछ ले आएगी पहली वैल्यू, बी कुछ ले आएगी दूसरी वैल्यू। सो पाइथन में 2D एरेज भी बहुत ईजी होते हैं, सेम टू सेम सी प्लस की तरह ही होते हैं। ए बी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ये एक एरे है, इसके अंदर एक और एरे है, पहला ऑब्जेक्ट उसका 1, 2, 3, और दूसरा ऑब्जेक्ट एक और एरे है 5, 4, 5, 6। पर मैट्रिक्स फॉर्म में देखा जाए तो ऐसे लिखे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक ये 2D एरे है, कितने साइज का है ये, कितनी रोज है इसमें, 2 रोज है, 3 कॉलम है, तो 2:3 है। सो अगर हमें वैसे ही जैसे मशीन लर्निंग में जरूरत पड़ेगी 2D एरे इनिशलाइज करने की किसी तरीके से, तो हम एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2D एरे इनिशलाइज कर सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से। फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज और भी हमने एक सपोज करो वैल्यू ले ली एन इतने के लिए, फिर उसके आगे फॉर, ये कितनी बार, फॉर आई इन रेंज एम, एन क्रॉस एम का इससे मैट्रिक्स बन जाएगा, उसमें एक सारी रोज हो जाएंगी आई की जो एन तक चलेंगी, और वो कब तक चलनी है, एम तक। तो इसके लिए कैसे बनेगा मैट्रिक्स, सपोज करो एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू अगर 4 है तो 1, 2, 3, 4 आएगा पहली बार, फिर से दूसरी बार कितनी है, एम, ऐसे एम टाइम्स आएगा, तो एम की वैल्यू से 3 है तो 1, 2, 3, 4 एक और बार आएगा, फिर 1, 2, 3, 4। तो ऐसे जनरल हम एक ऐसे एरेज बना सकते हैं पाइथन के अंदर, जो मशीन काफी काम आएगी हमें इनिशलाइज करने के लिए, इनिशियली हमें कोई काम करना हो। तो हम आइट्रेट कैसे कर सकते हैं, जैसे सी प्लस में करते थे दो लूप बना लेते थे फॉर लूप के, वैसे बनाएंगे फॉर एल इन मैट्रिक्स, उसके बाद फॉर आई इन एल, एल एक पूरा ये वैल्यू उठा लेगा पूरी वैल्यू की, इसमें एल आ जाएगा हर एक एक करके मैट्रिक्स से पूरे, फिर उसके बाद फिर हर एक एल से एक आई निकालना है, हर जगह कॉलन्स आएंगे, मैंने कॉलन्स लाना भूल गया था, जो कॉलन आएगा जो भी लूप जब चला रहे हैं हम, तो उसमें आगे क्या लिखेंगे हम, हर एक एक करके ऐसे अगर हम प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट आई, तो उसमें कैसे प्रिंट होगा, सारी वैल्यू आ जाएंगी, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4। अभी हमें एंड आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो ये हर एक को न्यू लाइन में लिखेगा। सो दैट्स इट, ये सारे बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। सी प्लस एस में जैसे एरेज और हमने टपल्स देख लिए, फंक्शन में कैसे हमें वैल्यूज पास करनी है वो देख ली, ये सारे बेसिक्स है। अब हम अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे, कैसे लाइब्रेरीज इम्प्रूव करते हैं, मैटप्लॉटलिब देखेंगे, पाई प्लॉट देखेंगे, उसका नंपाई एरेज देखेंगे कैसे यूज करते हैं, कैसे पांडास यूज करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।